कैमरा रोलिंग, लेट्स स्टार्ट। हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स भी ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो ट्रिप में हम लोग एक ऐसे मिथिकल क्रीचर से मिलने वाले हैं जिसको बहुत सारे बुक्स में देखा गया है, जैसे कि ब्रैम स्टोकर्स ड्रैक्यूला में देखा गया है। तो हम लोग रेडी हैं इस वीडियो ट्रिप को शुरू करने के लिए? तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इस मिथिकल क्रीचर से हम लोग अपने वीडियो ट्रिप में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये मिथिकल क्रीचर का नाम है वैम्पायर, और इसको सुन के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैम्पायर तो है, पर उसके बारे में दोस्त थोड़ा अच्छा से बताओ तो हम लोग को भी पता चले। तो दोस्तों, ये मिथिकल क्रीचर का नाम है वैम्पायर दोस्तों। और दोस्तों, ये वैम्पायर नॉर्मली सब ह्यूमन बीइंग्स के वाइटल एसेंस पे जीता है। नॉर्मली वो वाइटल एसेंस क्या है दोस्तों? वो वाइटल एसेंस है खून, ब्लड। वो ह्यूमन बीइंग्स के लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के ऊपर में सर्वाइव करता है, वो है ह्यूमन बीइंग्स का वाइटल एसेंस। तो दोस्तों, ये वैम्पायर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स के वाइटल एसेंस पे ही लिव करता है, जो है ब्लड, खून। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि यूरोपियन फोकलोर में वैम्पायर्स को अंडर ह्यूमनॉइड क्रीचर्स बताया गया है, जो जब जिंदा थे तब जिस नेबरहुड में वो रहते थे और मरने के बाद उसी नेबरहुड में वो मिस्चिफ और डेथ्स कॉज करते थे। दोस्तों, ये था एक फैक्ट वैम्पायर्स के बारे में दोस्तों। और दोस्तों, क्या आप लोग को ये भी पता है दोस्तों क्या आप लोग को ये भी पता है कि दोस्तों वैम्पायर श्राउड्स पहनते थे दोस्तों, और उन लोग को ब्लोटेड और रडी दिखाया जाता था दोस्तों, और जो आज के वैम्पायर्स के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ही अलग थे। जो आज के वैम्पायर्स जायंट और पेल वैम्पायर्स होते हैं, विच डेट्स टू द अर्ली 19th century दोस्तों। तो ये था और एक फैक्ट वैम्पायर्स के बारे में दोस्तों ये टर्म जो वैम्पायर है, ये जो शब्द वैम्पायर है, वो वेस्टर्न यूरोप में पॉपुलराइज हुआ था। और आप लोगों को पता है दोस्तों, ये कब पॉपुलराइज हुआ था? एक 18th century मास हिस्टेरिया के बाद ये टर्म पॉपुलराइज हुआ था दोस्तों, और जहाँ पे कॉर्प्स को स्टेक किया गया था दोस्तों। तो ये टर्म ऐसे करके पॉपुलराइज हुआ था वेस्टर्न यूरोप में दोस्तों मॉडर्न टाइम्स में ये कहा जाता है कि वैम्पायर एक फिक्टिशियस एंटिटी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिक्टिशियस का मतलब बता दूं। दोस्तों, फिक्टिशियस का मतलब ये होता है जो खाली हमारे इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, मॉडर्न टाइम्स में ये बताया जाता है कि वैम्पायर एक फिक्टिशियस एंटिटी है दोस्तों। और आप लोगों को पता है दोस्तों, चुपाकाब्रा को भी बोला जाता है कि वो सिमिलर है वैम्पायर से दोस्तों, और ये परसिस्ट करता है कुछ कल्चर्स में दोस्तों ब्रैम स्टोकर्स 1897 का जो नोवेल है ड्रैक्यूला, वो भी एक वैम्पायर के ऊपर में बेस्ड है दोस्तों। और दोस्तों, वैम्पायर्स के ऊपर में बहुत सारे मूवीज भी बन चुके हैं दोस्तों,
और बहुत सारे बुक्स भी है दोस्तों वैम्पायर्स के ऊपर में, जिसका अभी हम लोग ने एक एग्जांपल सुना, ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्यूला दोस्तों। और दोस्तों हॉरर जॉनरा में वैम्पायर एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट क्रीचर है दोस्तों, डोमिनेंट फिगर है दोस्तों। हॉरर जॉनरा में दोस्तों वैम्पायर एक बहुत ही डोमिनेंट फिगर है दोस्तों। यदि हम लोग को और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल घोस्ट इन शैडोज को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, हम लोग और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में हमारे चैनल घोस्ट इन शैडोज में जा सकेंगे। दोस्तों क्या आप लोग को पता है, अर्ली 1970 में लोकल प्रेस ने ये रूमर फैलाया था लंदन में कि हाईगेट सेमेट्री में एक वैम्पायर हॉन्ट करता है हाईगेट सेमेट्री को दोस्तों। तो दोस्तों ये था वैम्पायर्स के बारे में जो हम लोग ने एक साथ ये वाले वीडियो ट्रिप में किया दोस्तों। और दोस्तों यदि हम लोग ऐसे ही और भी वीडियो ट्रिप्स में जाना चाहते हैं, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल घोस्ट इन शैडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सिक्सी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग माय फ्रेंड, और डायनास ट्रैवल्स एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स, थैंक यू फॉर कमेंटिंग माय फ्रेंड। और दोस्तों थैंक यू कमेंट करने के लिए दोस्तों, ऐसे ही कमेंट करते रहिए दोस्तों, ताकि हम लोग और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में जा सके। और जल्दी से जाके हमारे चैनल घोस्ट इन शैडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग और भी ऐसे बोन चिलिंग और स्पाइन चिलिंग वीडियो ट्रिप्स में जा सके दोस्तों। और दोस्तों आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो ट्रिप बोन चिलिंग और स्पाइन चिलिंग लगा होगा दोस्तों। आई लव यू ऑल दोस्तों, आप लोग मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो और आप लोग मेरे सेकेंड फैमिली जैसे हो दोस्तों। कभी मत भूलिएगा कि मैं भी आपकी दोस्त हूँ और हम लोग की एक फैमिली है दोस्तों। आई लव यू ऑल दोस्तों, आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो दोस्तों। मुझे हम लोग एक दूसरे को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे दोस्तों। और हमारे चैनल घोस्ट एंड शैडोज को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में जा सके। थैंक यू दोस्तों, आई लव यू ऑल, और मैं आप लोग से वादा करती हूँ दोस्तों कि हम लोग फिर से जल्दी ही ऐसे एक वीडियो ट्रिप में जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई लव यू ऑल, और गारंटी देती हूँ मैं दोस्तों कि ये वाला वीडियो देख के आपको बोन चिलिंग और स्पाइन चिलिंग तो लगेगा। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल घोस्ट इन शैडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, और लव यू ऑल दोस्तों, मिस यू, थैंक यू दोस्तों।